तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ करंट, यानी कि करंट कितने टाइप्स की होती है। मैं एसी और डीसी में डिफरेंस नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ एसी के टाइप्स की बात करने वाला हूँ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि एसी करंट जो होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। एसी और डीसी अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एसी की बात कर रहा हूँ। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो हम बात करेंगे तीन टाइप्स के करंट की, पहली कंडक्शन करंट, दूसरी कन्वेक्शन करंट और तीसरी डिस्प्लेसमेंट करंट। सो तीनों टाइप की करंट होती है, एसी में अप्लाई होती हैं, कुछ इसमें डीसी में भी अप्लाई होती है, लेकिन हम इसमें एसी में जितनी भी अप्लाई होती है उन सब की बात करने वाले हैं। मैं आपको पेन और पेपर की हेल्प से तीनों करंट्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इनके यूज़ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल सहित आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों करंट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडक्शन करंट ले रखी है, दूसरी कन्वेक्शन करंट और तीसरी डिस्प्लेसमेंट करंट, रो वी। और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसको बोलते हैं जे इज़क्ल टू डेल डी अपॉन डेल टी। तो ये तो बात हो गई फार्मूले की। तो जो हमारी कंडक्शन करंट होती है वो हमें बेसिकली दिखाई देती है, जैसे कि हमारा जो कोई मेटल होता है यानी कि कंडक्टिंग मीडियम होता है उसमें जब भी करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट। जैसे कि ये मान लिया मैं इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे करंट जो है फ्लो होगी, सो इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। ठीक जस्ट इसी तरह जो हमारी कन्वेक्शन करंट होती है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अब जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं वो जो लाइटनिंग होती है आसमान से गिरने वाली बिजली वो हो सकती है, और दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो स्पार्क पैदा होता है वो हो सकता है, तो ये हमारी होती है कन्वेक्शन करंट। तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई से, उसके बाद ये जो है एसी मेरी फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होती रहेगी। ठीक अब डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से तो यहाँ से जो मेरी करंट इसमें जाएगी जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ से जो मेरी करंट जाएगी वो तो हमारी हुई कंडक्शन करंट यानी कंडक्टिंग मीडियम के जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा वो लगातार वैल्यू अपनी चेंज कर रहा होगा, तो उस स्टोर चार्ज की वजह से भी एक करंट जनरेट होगी जो इधर पास होगी, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे कि एक फार्मूले से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, यू इज़क्ल टू सी वी। ठीक तो यहाँ पे कंटिन्यू मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो रही है, सो जैसे जैसे मेरी वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे कि मेरा जो है चार्ज चेंज होगा, सो रेट ऑफ चार्ज जो है चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो मेरी करंट है वो भी चेंज होगी। सो यहाँ पे जो मुझे करंट गिवन यानी कि प्राप्त होगी वो मेरी होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि तीनों करंट्स किस टाइप की होती हैं, कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तीनों फार्मूले मैंने डिस्कस कर दिए, बस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये तीनों करंट बतानी कि टाइप ऑफ एसी करंट तो आपको बतानी है कन्वेक्शनल करंट, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तीनों करंट के बारे में बताना है बस।